नमस्कार दोस्तों, सुमीज यमी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ छोटे प्याज की बहुत ही शानदार सी सब्जी, जो मैंने बहुत ही कम तेल में बनाया है, लेकिन बहुत ही टेस्टी और एकदम रिच ग्रेवी वाली रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनाकर तैयार होगी। तो इसके लिए हमने छोटे वाले प्याज ले लिए हैं छील कर, और इसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। नीचे का पार्ट जुड़ा हुआ रहना चाहिए, पूरा नहीं कट करना है। तो सभी प्याज को हमने कट कर लिया है। अभी मार्केट में बहुत अच्छे छोटे वाले प्याज आ रहे हैं, तो आप एक बार ये सब्जी बनाकर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब सभी प्याज को हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है पैन में, और उसमें शैलो फ्राई कर लेंगे। ढककर भूनना है ताकि प्याज थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए साथ साथ। बीच बीच में प्याज को चलाते भी रहें ताकि ये जले नहीं, और इस समय आपको फ्लेम को मीडियम पे रखना है। तो 5 से 6 मिनट में हमारा ये प्याज भूनकर तैयार हो जाएगा और ये थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। छोटे वाले प्याज वैसे भी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये सब्जी बड़े प्याज की भी बन सकती है, बड़े बड़े टुकड़े काट कर, लेकिन छोटे वाले प्याज से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब प्याज हमारा भूनकर तैयार हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे और हम पूरी सब्जी बस इसी ऑयल में बनाएंगे, अलग से थोड़ा भी ऑयल ऐड नहीं करेंगे। अब हमने 1 शिमला मिर्च कट करके ले लिया है, इसे भी थोड़ा सा 1 मिनट भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब जो तेल बच गया उसमें हमने 2 कटे हुए प्याज डाले हैं और 2 टमाटर। प्याज और टमाटर को थोड़ा सा भून लें, एक साथ ही डाल दिया मैंने क्योंकि सभी को फिर बाद में हमें पीसना है। अब प्याज को गलाने के लिए थोड़ा सा हमें नमक भी डालना होगा, तो 1/2 चम्मच नमक डाल देते हैं और ढक ढक कर प्याज टमाटर को भूनेंगे, तो थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो जाएगा, तब इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो प्याज टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच ही गरम मसाला। बस इतनी ही चीज़ें इसमें डालेंगे और इसे थोड़ी देर भून लें। जब मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे तब हम इसे ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। साथ ही हमने 8-10 काजू को पानी में भिगो कर रखा था, और घर की फ्रेश मलाई भी बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब डाल देते हैं और ये मिक्स करके थोड़ा देर भून लेंगे। जब मसाले से अच्छी खुशबू आने लगेगी तब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाएगा तब फिर हम इस मसाले को जो भिगोए हुए काजू हमने रखे थे उसके साथ ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा पानी डालना होगा मसाला ग्राइंड करने के टाइम। तो ये हमारा मसाला बनकर तैयार है, अब हम सब्जी बनाते हैं। तो इसी कढ़ाई में अब हम सब्जी बनाएंगे, फिर अलग से तेल नहीं डालना है, बस जो मसाले हमने पीस कर रखे थे वो थोड़ा पानी इसके साथ ऐड कर दें मिक्सर जार में ही डालकर, ताकि मसाला पूरा निकल जाए। प्याज भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तो बहुत पतली ग्रेवी नहीं रखेंगे हम, गाढ़ी ग्रेवी रखेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और अब इसमें भुने हुए प्याज डाल देते हैं और इसे मिक्स करके ढक कर मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर पकाएं। इस सब्जी में हमने तेल का यूज़ बहुत कम किया है, लेकिन ये बहुत ही शानदार सब्जी बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें थोड़ा नमक और ऐड कर देते हैं, क्योंकि शुरू में हमने 1/2 चम्मच सिर्फ नमक डाला था। तो अब जितनी सब्जी की क्वांटिटी है उस हिसाब से हम नमक डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट पकाएंगे। इतने में हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसमें भुने हुए शिमला मिर्च जो हमने रखे थे वो ऐड कर देंगे, और साथ ही 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई, और मीडियम से लो फ्लेम ही रखना है आपको इस टाइम, और लगातार चलाते रहना है थोड़ी देर ताकि मलाई अच्छे से मिक्स हो जाए। अब सब्जी हमारी पूरी तरह बनकर तैयार है, तो इसमें हमने थोड़े से छोटे कटे हुए टमाटर ऐड किए हैं ऊपर से, और हरी धनिया। टमाटर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ये टेस्ट के लिए नहीं है, सिर्फ सुंदर दिखने के लिए है। पहले तो हमने टमाटर ऐड किया ही था। अब आपकी सुपर डिलीशियस सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल वाली बनकर तैयार है, आप इसे सर्व करें। आप इसे नान, चपाती, पराठा, पूड़ी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती है।
तो बताइए आपको ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। मैं आपके लिए हमेशा कम तेल वाली रेसिपी ही लाना पसंद करती हूँ दोस्तों, तो अगर आपको पसंद आती है और मेरे चैनल को देखते हैं आप, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।